स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सुशीला केयर योर हेल्थ। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया के विषय में। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी बातों की जानकारी यदि आपको चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर अपने मनपसंद टॉपिक के वीडियो देखें। लगभग 800 से ज़्यादा वीडियो मैंने इस चैनल पर बना रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं फाइलेरिया के ऊपर। फाइलेरिया हाथी पांव रोग, जिसे आप जानते हैं कि जब यह रोग हो जाता है तो हाथी के समान पैर हो जाता है, और यह रोग जो है वह मच्छर के काटने से होता है। हमारे व्यूअर्स में कई लोगों ने सवाल किया कि फाइलेरिया की दवा किसे खानी चाहिए और किसे नहीं खानी चाहिए। तो मैं यह बता दूं कि फाइलेरिया की दवा सभी को खानी है। यदि जिसे फाइलेरिया हो चुका है उसे भी, और जिसे नहीं हुआ है उसे भी। जिन्हें फाइलेरिया हो चुका है यदि वे दवा खाते हैं तो जितना उनको फाइलेरिया के लक्षण दिख रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे अगर खाते हैं तो उन्हें फाइलेरिया कभी होगा नहीं। इसलिए दवा खाना सभी व्यक्ति को ज़रूरी है, और यह राष्ट्रीय फाइलेरिया मुक्ति अभियान के तहत प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान चलाए जाते हैं। जब राष्ट्रीय फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलता है तो यह पूरे राज्य में चलाए जाते हैं। हाँ, माह कोई और हो सकता है लेकिन वर्ष में एक बार सभी राज्यों में चलाए जाते हैं। इसकी जानकारी आप नज़दीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से जाकर लें। यदि आपके आसपास ANM दीदी, आशा दीदी या आंगनवाड़ी वर्कर रहती हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, फाइलेरिया की दवा उन्हें भी खानी है जिनको फाइलेरिया का संक्रमण हुआ है, और उन्हें भी खानी है जिन्हें फाइलेरिया का संक्रमण नहीं हुआ है। फाइलेरिया के विषय में और भी अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और फाइलेरिया टॉपिक से बने सारे वीडियो देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप यदि वीडियो शेयर करेंगे तभी यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी। तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कहती हूँ सब्सक्राइब कर लें। अपने मनपसंद टॉपिक पर वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें और इंतज़ार करें मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।